So, हम लोग कैब में हैं और गोवा की यात्रा शुरू कर चुके हैं और ब्लॉग मुझे बनाने नहीं आती बट ट्राई करते हैं। हमने पूरा अपना सामान वामान इस ट्रॉली पे रख दिया है और देख सकते हैं सुबह सुबह कितनी लाइन है। ये भारत का पॉपुलेशन दर्शा रहा है कितना ज़्यादा पॉपुलेशन है। गोवा में आ चुके हैं, करीब 1 hour 30 minutes लगे हैं, हाँ सॉरी 2 hours 30 minutes, और काफ़ी मज़ा है, खाना भी मिला वो भी फ्री। तो अब आपको गोवा का बीच और गोवा का माहौल दिखाएंगे, एंजॉय करेंगे, और आप बीच बीच में इस वीडियो को देखिएगा जिससे आप भी मतलब वर्चुअली गोवा पहुँच सकते। थैंक यू। ये देख सकते हैं सारे बेल्ट है और इसमें बैग मिलेगा हम लोगों का ना दिल्ली। हाँ ये है शायद, ये देख सकते हैं एयर इंडिया। तो हमें हम लोग पधार चुके हैं और अभी टैक्सी में हैं एंड देन रीचिंग टुवर्ड होटल। यहाँ पे आप देख रहे हैं ब्रिज है शायद, देख तो होटल आ चुके हैं और अब गोवा आपको टूर कराएंगे, देखते रहते हैं। मैं रूम में आ चुका हूँ और आप रूम देख सकते हैं, बस एक नॉर्मल बेसिक सा रूम है और काफ़ी अच्छा लोकेशन है। यहाँ से बस 5 मिनट में आप बीच तक जा सकते हैं। तो जब हमने बुकिंग किया था तो यही सोचा था कि बहुत जल्दी जहाँ पहुँच सके पैदल जा सके, ट्रैफिक वगैरह आपको पता है दिल्ली में बहुत ज़्यादा है तो ट्रैफिक से बचना है, तो इसलिए थोड़ा सा नज़दीक वाला लिया था और ठीक ठाक है रूम, काम चल जाएगा। ये वॉशरूम है, आपको मैं वॉशरूम दिखाता हूँ, और ये वॉशरूम है ठीक ठाक है। सब मेरे से रहा नहीं गया और मैं बीच पे आ गया। मैंने कहा जब गोवा आए हैं तो आराम से घर जाके रेस्ट करेंगे, तो आपको बीच का नज़ारा दिखाऊंगा, बहुत मज़ा आ जाएगा और एंजॉय करेंगे। आपको दिखा बीच का नज़ारा है पूरा, और अभी थोड़ा सा टाइम 5:30 हो रहा है इसलिए थोड़ी धूप है, बट चलते हैं। ये पूरा रेत है, मज़ा आने वाला है, देख पा रहे हैं यहाँ पे। तो गोवा की जर्नी है बहुत ही सुखद और आरामदायक, और हम लोग डिनर करने जा रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है, मतलब बहुत दिन बाद मैं ब्रेक पे हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ होटल का भी बहुत बढ़िया है और हर चीज़ अच्छा है, सारे लोग बहुत फ्रेंडली हैं, अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे अंजना बीच है वहाँ पे आए हैं, काफ़ी अच्छा लगता है और म्यूजिक भी बज रहा है देख रहे हैं, और काफ़ी बेहतर, मज़ा आ रहा है। आप देख रहे हैं पीछे काफ़ी अच्छा नज़ारा है और काफ़ी कुछ बेहतर, तो आप देख सकते हैं अंजना बीच। शाहरुख खान बन रहे हैं यहाँ पे, देख रहे हो ये देखो भाई, तो काफ़ी अच्छा है, मतलब डिसेंट क्राउड, बढ़िया, और यहाँ पे बेचने वाले भैया भी आए हैं, है ना, तो काफ़ी अच्छा बीच है ये और काफ़ी मज़ेदार बीच है। तो आज की यात्रा जो है हमारी दूध सागर वाटरफॉल की है, और ऐसा कहा जाता है कि ये बहुत टॉलेस्ट
और पूरे विश्व का सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल है। तो आज हम लोग वहाँ जा रहे हैं और आपको वहाँ का दर्शन कराएंगे कि दूध सागर क्या है। दूध सागर तब फेमस हुआ जब चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग वहाँ पे हुई थी। बस एक ट्रेन जा रही थी, वहाँ शूट हो गया, बस लोग पहुँचने लगे दूध सागर राइट। तो ये कैब वाले भैया हैं, पेट्रोल डलवा रहे हैं। यहाँ पेट्रोल बहुत सस्ता है, बियर के साथ साथ पेट्रोल भी बहुत सस्ता है। दो ही चीज़ सस्ता है बस, पेट्रोल और बियर, बस और कुछ नहीं। चलिए देखते हैं यात्रा कैसी है। यहाँ का नज़ारा आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और वॉइस फॉर द ग्रीन, जी फॉर गोवा, जी फॉर ग्रीन, बहुत ही बढ़िया, फुल ऑक्सीजन, काफ़ी अच्छा है। कुछ अजीब सा ही है, जंगल वाला रास्ता, फोन भी स्टेबल नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पे ऐसे ही लोग जाते हैं। तो अभी हम लोग एक शेयरिंग जीप है उससे जा रहे हैं जंगल एंड देन फाइनलाइज फ्रिज टू दूध सागर वाटरफॉल। तो आप वर्चुअली से देख सकते हैं और सेफ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ इनके कंट्रोल में है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको मेंटेन करता है, बट कोई भी जानवर नज़र नहीं आते। मैंने पता लगाया था कि बीच में कोई कुछ मिल जाए, बट ये लोग कहते हैं कि कुछ बाउंड्री वगैरह कर देते हैं तो इधर कोई कुछ नहीं आ सकता। फोर्टी फाइव मिनट्स ट्रैवल करके अब देख रहे हैं सारे कार जीप वगैरह है। ये लोग ना बहुत कम लिमिटेड टाइम देते हैं कि आप 45 मिनट्स में फिर से ट्रैवल करके आना। आप देख सकते हैं जंगल और बहुत बड़ा ये वाटर। तो ये ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है, रॉक्स सारे हैं, आप नेचुरल इसके साउंड देख सकते हैं। बहुत सारे लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ये देखिए। तो ये थोड़ा सा मतलब स्केरी टाइप का है और थोड़ा वेट करना पड़ सकता है क्योंकि इसमें लोग आने का आ जाएंगे एक बार, तो फिर आपको उधर की साइड से शायद आ सकते हैं। इट्स अ नेचुरल ब्यूटी, जाना। तो आप देख सकते हैं ऐसे ट्रैकिंग करके जाना पड़ता है पत्थरों के सहारे। ये देख सकते हैं, तो हमने काफ़ी ट्रैकिंग के बाद ट्रैवल किया। तो जो आप मूवी में देखते हैं चेन्नई एक्सप्रेस राइट, तो वो देख रहे हैं रेलवे ट्रैक आपको दिखाई दे रहा होगा शायद, ये देख रहे हैं रेलवे ट्रैक। यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे बहुत ही बड़ा, यहाँ पे ट्रेन जा रही है, इसके ऊपर से भी स्पाइस सहकारी स्पाइस फार्म है जहाँ पे मसाले बनते हैं ना, कोटी पोंडा जहाँ पे सारे मसाले बनते हैं। तो ये इनको हमने ले लिया है, ये लीजिए टिकट ले लीजिए, 500 का टिकट रहता है, अनलिमिटेड खा सकते हैं। कहते हैं कि बहुत सारे मतलब देख रहे हैं कितना सारा ग्रीन है और बढ़िया, मतलब मज़ा आ गया और फुल ऑफ ऑक्सीजन, बिकॉज दिल्ली में तो मुझे लगता है कि लोग कार्बन डाइऑक्साइड पर जिंदा होंगे। मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ और वहीं से पढ़ाई की है, बट दिल्ली में आपको पता है कि वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत पुअर रहता है, दैट्स अ सीवियर कैटेगरी वहाँ पे लंग्स। तो मुझे लगता है कि जब मैं MBBS कर रहा था तो लंग्स काले काले दिखाई दे रहे थे, अब काले से भी कोई गहरा कलर हो सकता है।
तो कम से कम ऑक्सीजनेटेड करना बहुत जरूरी है। तो दिस इज अ फुल ऑफ ऑक्सीजन, काफी अच्छा। तो यहाँ पे एक हर्बल टी मिला है, सारे बहुत गर्म है और फोटो आ रही है। कोई बात नहीं, ऐसे ही करते हैं। गवर्नमेंट कॉपरेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन प्राइवेट फार्म है उनका। और टोटल एरिया उनका लैंड 130 एकड़, 140 एकड़, और वो पूरा लैंड कल्टीवेशन है। मसाले के पेड़ पहले से था, बहुत ओल्ड है लैंड। और जो कि मसाले फ्रूट फ्लावर भी कितने आपको मिलेंगे अभी रस्ते में, लेकिन घबराए मत, इतना 130 एकड़ हमने किया वगैरह। वो क्रीम अंदर का खा ले, इसके अंदर बहुत स्वीट रहेगा, कोको बटर, शिया बटर जो बनता है उससे। ओ क्रीम, वेरी गुड। चीटी का घर है? चीटी, चीटी नहीं, दीमक होते हैं। दीमक का चीटी, दोनों दीमक का नहीं, चीटियों का है। चीटी का घर है, उधर सांप रहते हैं अंदर। अरे अरे अरे, सांप ना निकल जाए। ये क्या है? वाइट वाइट किसने रखा है वो इधर? हाँ, एक क्रीम भी वो खाने को मिल सकता है, खा सकते हैं वो क्रीम, खा सकते हैं। चॉकलेट ऐसे टाइप का रहता है क्या? आपको चाहिए? नहीं 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 नहीं, मतलब कहीं कुछ व्हाइट चॉकलेट, व्हाइट चॉकलेट हो जाएगा क्या? व्हाइट चॉकलेट हो जाएगा, दिखाना। ये पूरा मसालों का बागवान, बागवान सॉरी बगीचा मसालों का बगीचा, और मसालों का बगीचा जो है आप देख रहे हैं यहाँ। ये नेचुरल सिंचाई होती रहती है इसकी, और है ना, पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फुल ऑफ ऑक्सीजन, जहाँ देखिए ऑक्सीजन ही नज़र आएगा, नज़र नहीं आ सकता, गैस कहाँ देख पाओगे, बट फिर भी आपको पता होगा सुखाया जाता है ना सुपारी, जो पान में डाल दिया जाता है, पान में वगैरह डालते हैं, क्योंकि कच्चा सुपारी आप ऑरेंज कलर वाला खाएंगे ना, वो आपको नशा देगा, इसलिए वो सुखाया जाता है। अच्छा, नशा देता है क्या सुपारी? एक पूरा कच्चा सुपारी, ये इधर पीछे भी है, ये देखो ऑरेंज कलर वाला बड़ा, बहुत बहुत लगा इधर। एक कच्चा सुपारी आप खाने का ट्राई करोगे पूरा 30 ml विस्की के बराबर होगा। 30 ml विस्की के बराबर। गोवा की नाइट लाइफ बहुत ही अच्छी होती है और लोग बीच पे काफ़ी इन्जॉय करते हैं। आज आपको मैं दिखाऊंगा कि बीच पे लोग कैसे इन्जॉय करते हैं, और मैंने बीच बीच में दिखाया भी है। तो हम लोग होटल से बीच की तरफ जा रहे हैं, और बहुत ही वॉकिंग डिस्टेंस है, मतलब मेरे हिसाब से 10 मिनट वॉक करेंगे तो सीधा बीच पे चले जाएंगे। मेरा ये जो होटल है आप देख पा रहे हैं, ये कैंडोलियम बीच के पास है, और सॉरी कैलंगूट बीच के पास है, और काफ़ी नज़दीक है, और बागा बीच भी यहाँ से काफ़ी नज़दीक रहता है, तो काफ़ी अच्छा है। अब हम पैदल पैदल यहाँ से जाएंगे कैलंगूट बीच पे, और आपको दिखाएंगे कैलंगूट बीच की नाइट लाइफ कैसी होती है, क्या होता है। वाला रोड सीधा हमारे होटल से कैलंगूट बीच की तरफ जा रहा है, और हम लोग कैलंगूट बीच की तरफ जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा बीच है। मज़ा, यहाँ पे फॉरेनर आके बड़े एंजॉय करते हैं, मुझे लगता है कि शायद उनको सस्ते में सारा चीज़ मिल जाता होगा इस वजह से। एक कैलंगूट चौक है, सर्कल है, इधर से ये वाला रोड आप देख पा रहे हैं सीधा वाला, ये वाला बागा की तरफ जाएगा, ये कैलंगूट बीच की तरफ जाएगा। तो आज हम कैलंगूट मार्केट है, कैलंगूट मार्केट है, काफ़ी अच्छा मार्केट है, सारे लोग शॉपिंग करते हैं, और यहाँ पे अलग अलग बीच, जैसे हम लोग जहाँ रुके हैं यहाँ से ऑलमोस्ट जितने भी अच्छे अच्छे बीच हैं वो काफ़ी नज़दीक हैं, तो आप कोई स्कूटी रेंट पे रख ले सकते हैं, और रेंट पे लेने के बाद आप अलग अलग बीच में जा सकते हैं, बीच पे जाके एंजॉय कर सकते हैं नाइट लाइफ। यहाँ पे नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, और गोवा काफ़ी सेफ भी है और नाइट लाइफ के लिए, तो आप आराम से 12-1 बजे 2 बजे आ सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। कैलंगूट बीच की एंट्री है, सीधा और जाएंगे तो बस 500 मीटर पे आपको कैलंगूट बीच देखने को मिलेगा, आपको नज़ारा दिखाते हैं बीच में जिसमें ये कैलंगूट स्क्यूबा डाइव वगैरह करते हैं, और नीचे आप देख रहे हैं यहीं से आपको रेत सैंड का नज़ारा नज़र आ रहा होगा। देख रहे हैं भीड़, क्योंकि लोग नाइट लाइफ बहुत एंजॉय करते हैं, और यहाँ की नाइट लाइफ काफ़ी अच्छी होती है, और
टैटू वाले आपको परेशान कर देंगे बार बार टैटू 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 बोल के, बट आपको टैटू की तरफ ध्यान नहीं देना, मतलब अगर आपको टैटू बनवाना है तो ठीक है, अदरवाइज को ये दिखा देख सकते हैं, ये बीच है और बीच पे लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं और काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है। ये कलंगूट बीच है और हमने ऑलमोस्ट सारे बीच को एक्सप्लोर कर लिया है, लास्ट बीच बचा है और ये भी बीच बहुत अच्छा है, काफ़ी भीड़ है और यहाँ से सैंड शुरू हो जाएगा तो नॉर्मल आपको पैदल चलना पड़ेगा। अभी नहीं खाएगा, ठीक है, तो यहाँ डांस म्यूजिक सब चीज़ चलता है तो काफ़ी नहीं हुक्का नहीं ट्राई करना है तो यहाँ बहुत कॉमन है हुक्का विस्की बियर क्वाइट कॉमन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैंडल सैंडल कैंडल लाइट डिनर नहीं बियर है यार सकते हैं कि ये बीच है और बीच पे लोग कैंडल लाइट डिनर करते हैं और काफ़ी आप देख सकते हैं यहाँ भीड़ काफ़ी रहती है। ये कलंगूट बीच है और हमने ऑलमोस्ट सारे बीच को एक्सप्लोर कर लिया है, लास्ट बीच बचा है और ये भी बीच बहुत अच्छा है, काफ़ी भीड़ है और यहाँ से सैंड शुरू हो जाएगा तो नॉर्मल आपको पैदल चलना पड़ेगा, अभी नहीं खाएगा, हाँ ठीक है, तो यहाँ डांस म्यूजिक सब चीज़ चलता है तो काफ़ी नहीं होगा नहीं ट्राई करना है तो यहाँ बहुत कॉमन है हुक्का विस्की बियर क्वाइट कॉमन, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सैंडल सैंडल कैंडल लाइट डिनर नहीं बियर है यार कैंडल लाइट डिनर है और ये देखो काफ़ी अच्छा आई लव गोवा बहुत सारे दिल अगेन आई लव गोवा बहुत सारा दिल काफ़ी अच्छा है, आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे काफ़ी लोग हैं और यहाँ पे फोटो वोटो खिंचवाते हैं, काफ़ी अच्छा है बहुत।
एयरपोर्ट जा रहे हैं और रास्ते में देख रहे हैं अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा है और मोपा एक नया एयरपोर्ट है। आपको एयरपोर्ट पहुंच के दिखाऊंगा और बहुत अच्छा जर्नी रहा है इस गोवा का। तो आज का लास्ट जर्नी है और हम लोग मोपा एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत एयरपोर्ट है, शांति, भीड़ भाड़ कम है क्योंकि ये नया एयरपोर्ट है। मैं आई होप कि आप सब ने इन्जॉय किया होगा। अब बताइएगा इस वीडियो में कि आपने कौन से पार्ट को सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया है और कौन सा पार्ट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है, मुझे कमेंट करके बताइएगा। दिस इज़ आई थिंक थर्ड एंड फोर्थ टाइम ऑफ माई ब्लॉग, मुझे आती नहीं है ये करना कि कैसे करना होता है, बट ठीक है। ये मुझे ये भी बताइएगा कि इसमें और कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं और कितना अच्छा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।